नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। मध्य प्रदेश के शहडोल में 19 साल की युवती से कथित तौर पर अपहरण और गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों को आरोपी बताया है। बताया जा रहा है कि बीते 18 फरवरी को युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने जैतपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को युवती अपने घर से कुछ ही दूरी पर बेहोश हालत में मिली। घरवालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को जैतपुर अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर युवती ने 4 लोगों का नाम लिया, जिसमें बीजेपी के मंडल चीफ विजय त्रिपाठी को मुख्य आरोपी बताया। साथ ही उसने बताया कि गैंगरेप में राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह और मोनू महाराज भी शामिल थे। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक चारों की उम्र 35 से 40 साल के बीच है। पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैश्य ने बताया कि पीड़ित 18 फरवरी से लापता थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पीड़ित अपने घर से कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया। होश में आने के बाद पीड़ित ने बताया कि एक लाल रंग की कार में उसका अपहरण किया गया और फिर एक फार्म हाउस में ले जाकर उसके साथ कई बार गैंगरेप किया गया। बता दें, फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आशंका है कि चारों आरोपी उसी लाल रंग की कार में युवती को उसके घर के कुछ दूर फेंकने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने एक बयान जारी कर बताया कि गैंगरेप केस में शामिल बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी को उनके मंडल अध्यक्ष पद से हटाते हुए उन्हें सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।